कि लड़की जब घर छोड़कर लड़के की तरफ जाती है तो वापसी उसको वहां से बेवफाई मिलती है। आ गए या अपनी मर्जी नाल गई है? अपनी मर्जी नाल ही गई है मैं समझ। अच्छा, ई में तो अंदरों कोई नहीं आग उठावे ना। यूनिट नाल गई है जी? अच्छा, अपनी मर्जी दे नाल। जी अच्छा। बाप ने किया कत्ल अपनी ही जवान साला बेटी का। रात के अंधेरे में माफिया बीबी घर से भागकर कहां गई थी? इस कत्ल में चाचा और भाई का था क्या किरदार? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दायरा दीन पना में और ये वही घर है जहां पर ये वाकया पेश आया। 4 फरवरी का ये वाकया है। माफिया बीबी जिसकी उम्र 17-18 साल थी, घर वाले मौजूद हैं। थोड़ा डिस्कस हो क्या है वाकया? 25 रात को अगवा हो गई है। अच्छा, ये 3 फरवरी दी रात रात अगवा थी ये या अपनी मर्जी नल गई है? गई अपनी रजामंद की नाल है। अच्छा, किन नल गई है? इसरा एक नौजवान कौम है इसरा। अच्छा, उन्दे नाल तकरीबन 11 बजे प्यू उठे उको बारो पेशाब करन वास्ते दरवाजा खुले ते लाइट बाली ते वाल लाइट इठे सी ता चारपाई खाली गए। बीवी को उठाए सी पूछे सी ओए में के पते इवे गवेड़ छवेड़ कट दे उने को कोई अगे शक सुबह हा उ भिरा अपने भाई को उठाए छोटे को उदा भाई ते बेटा गए उने दे घर जिने ते शक आई। अच्छा, पहले भी गई है कदाई? ना, पहले इन तरह का कोई वाकया नहीं किया? ना, लेकिन वल क्यों शक खाई? नाल हम साइन रख बाय नाल वो शायद। अच्छा, माँ को कुछ शक छुपा है। सही, उठ पहले आ ना वेंदा है? ना, इच्छा नहीं आ ना वेंदा नाल उन्हें दे रख बाय। आए गए वदेरा ना नजर रखे ना है यूं नजर रखे ना बाल देते उन्हें नजर रखी हुई है पहले भी। जे जे नजर रखता है यूं। नाज़रीन, 4 फरवरी का ये अफसोसनाक वाकया है। दायरा दीन पनाह के पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं DSP एजाज हुसैन बुखारी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से पूछना चाहूँगा, माफिया नामी लड़की जिसकी उम्र 17-18 साल है, जिसे कत्ल किया गया और कत्ल करने वाले कोई और नहीं उसके अपने वालिद भाई और चाचा थे, इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आईं, कब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जानने के लिए मौजूद हैं हम पुलिस स्टेशन दायरा दीन पनाह में। तो रात को वो बकौल उनके वालदैन के घर से निकली, कोई 10-11 बजे मिस हुई, वो ढूंढते रहे तो उनको वो ना मिली। सुबह की 6-1 बजे करीबी हमसाए बैठे हैं, उन्होंने उनको इतला दी कि जी आपकी लड़की हमारे घर है। जी, हमसायों ने खुद बताया? हमसायों ने खुद उनको बताया कि आपकी लड़की हमारे घर ही बैठी है। तो चुनाचाहिए गए, उसका चचा और उसका भाई उसको वहाँ से ले आए, अपने घर ले आए। अच्छा, उसके घर से ले आए। उस वक्त किसी किस्म का एग्रेशन, उसके ऊपर कोई लड़ाई, उसे मारपीट का निशाना नहीं बनाया गया, चुप करके लेकर आ गए उसके घर? जी बिल्कुल इसी तरह, उस वक्त बड़ी खामोशी से और बड़े एतमाद और तसल्ली के साथ उनको मतमान करके घर ले आए। वापस आके फिर ये वकुआ किया उन्होंने जी, उसको मिलके हम तीनों ने, वालिद इस्माइल ने, भाई ने और चाचा जमील ने। ये 3 फरवरी का वाकया जब वो गई थी और ये रात को 3 फरवरी की ही रात को लेकर आए हैं या 4 फरवरी की सुबह लेकर आए हैं? 3 फरवरी के रात को 10-11 बजे ये बच्ची मिस हुई है, 4 फरवरी को सुबह 6 बजे इनको पता चला है और ये उसको लेके आए हैं अपने घर सुबह 6 बजे। और ये वाकया किस टाइम पेश आया, क्या सोचा था इन्होंने, क्या प्लान किया था? पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की कि विद इन नो टाइम तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया, क्या चीज़ें सामने आई, क्या कहते हैं वो? प्लानिंग और प्लान जो था उनका वो यही था कि उसको ले आए, फिर आपस में बैठ के इन्होंने मशवरा किया। जैसे हमारा एक बदकिस्मती से एक ट्रेंड चल रहा है कि जी वो इलाके में बदनामी हो गई, रसवाई हो गई, कि फलां की लड़की भाग गई या निकल गई, वही चीज़ इनके सामने थी। अनर मर्डर था ये, गैरत के नाम पर उन्होंने ये कत्ल किया। बैठ के सलाह मशवरा किया, फिर 10 बजे के करीब टोका जो घर में पड़ा था जिससे ये चारा वगैरह काटते थे, बहुत तेज़ धार था, उससे इन्होंने इसको बड़ी बेदर्दी से 13 ज़रबात उस बच्ची को लगी हुई थी, भेजा इसका बाहर निकला हुआ था, इसके सर पे उंगलियां कटी हुई थी। वो बेचारी आगे से मलामत करती रही, डिफेंड करती रही, हाथ देती रही, चीख भी चलाती रही, किसी ने इसकी हेल्प नहीं की। सही, तो मिल के उन्होंने ये तीनों लोग मुलव्वस थे उसको कत्ल करने में, किसी ने रोका नहीं, किसी ने
ये नहीं किया कि रजिस्ट बच्ची को बचा लिया जाए, कत्ल ना किया जाए, कत्ल की नौबत ना आए, तीनों ने पकड़ के उसे कत्ल किया उस बच्ची को। इस वक्त तक की जो एविडेंस है वो यही सामने आ रही है कि ये तीनों उसमें शामिल थे। आते हैं ते में हरण देने हैं। अच्छा, कौन लोग हैं? तो इसराइल, उन्हें दा रकबा है सारे नाल। योना साई उन्हें वेच? हाई मैकून दे ना दा पता काई नहीं। अच्छा। इतली सारी घाटी दा काई नहीं होंदी उन्हें नाल। ते मैं ही में आहती हामी के एक क्यों दें दे होसन। अपने बच्चे को समझावन करन असहीं तो जाट लोग खासे छेड़छाड़ करें दे हन पहले छेड़छाड़ करें ने हन ਨਸ਼ਾਇਤ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਕ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਇਵੇਂ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਰਗ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਸ ਵਰਗ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਹਾ ਤਾਂ ਹੋਸੀ 9:30 ਇਵੇਂ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਇਵੇਂ ਗੰਨਾ ਛਿਲੇਨੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੇ ਨੇ ਹੈ, ਸਾਕੂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੈ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉਖੜੀਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਈ। ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਗੁਲੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਏ ਕਰੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਨ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਕਲੇ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਜੋ ਅੰਮਾ ਹਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਰ ਸੁਣਵਾਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਥੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੈਕੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸੰਘੇਨ ਨੀ ਪੁੱਛ ਸੰਘੇ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਆ ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਰੜੀਏ ਧਾੜਵੋ ਧਾੜਵੋ ਅੰਮੀ ਆਓ ਊਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੀਰਾ ਲਾਇਆ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੀਰ ਦੇ ਵੀ ਖੜਾ ਬਹਿਰਾ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾੜ ਧਾੜ ਖੱਤੀਏ ਮੈਦਾ ਖਾਵਾਂ ਉਵੇਂ ਟੋਕਾ ਹੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਡੋ ਗਿਆ ਖੜਾ। ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਇਵੇਂ ਆਧਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਓ ਕਾ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਬੀਚ ਮੇਂ ਕਮਰੇ ਡਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਇਨਕਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਸਮਾਇਲ ਕਾ ਘਰ ਵੋ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਥਾ ਔਰ ਯੇ ਜਮੀਲ ਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਜ਼ੇਰ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮਾਇਲ ਕਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇਂ ਹੈ। ਉਨਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ, ਡਿਟੇਲ ਲੇਂਗੇ। ਜੋ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਵੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਹਮੇਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਮੇਂ ਇਸਮਾਇਲ ਹੀ ਮੁਲਵਿਸ ਥਾ ਔਰ ਜੋ ਉਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਮੀਲ ਔਰ ਉਸਕਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਯਹੀਂ ਪਰ ਯੇ ਕੋਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਜਬ ਉਸੇ ਯੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਉਸਕੀ ਬੇਟੀ ਉਸਕੇ ਘਰ ਸੇ ਭਾਗ ਕਰ ਕਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੂੰਡਤਾ ਰਹਾ, ਜਬ ਉਸੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਔਰ ਸੁਬਹ ਵੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਜਿਤਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਥੇ ਉਹਨੇ ਉਸਨੇ ਇਤਮਾਦ ਮੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਕੋ ਰੱਖਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਬਹਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਕੇ ਦਿਨ ਕੇ ਟਾਈਮ ਉਸਨੇ ਯੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ, ਕੁਲਹਾੜੀਓ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਾਂ ਬਹਕ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਈ ਮੌਕਾ, ਕਿੱਥਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕੋ ਸੱਦੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ ਅਮੀ ਸੀ, ਅਬੂ ਨੇ ਕੁਹਾੜਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ
भेड़ को कत्ल कर देते हैं। कोई को नहीं कर नाज़रीन, ये छोटी बच्ची उस वक्त जहाँ पर मौजूद थी इस घर में, उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था इस बच्ची के अलावा। बच्ची और इनके कहने के मुताबिक वो इस्माइल जो इस बच्ची का भी वालिद है और उस बच्ची का भी वालिद है और उसने यहीं पर ये वारदात की है। इस बच्ची से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है तेरा? मलाइका। क्या थी आई है? क्या थी आई? अबू मारा है। अबू मारा है? हाँ। भाई की दिया भाई? अब भैया मारो है। भैया मारो है। अच्छा, ते अम्मी? अम्मी गई दोहन गई। चाचू? चाचू मां छोड़ो दोहन गई। टाइम मैं अपने कमरे च हमी अबू होनी ते अम्मी होनी ये अपने कमरे बाजी होनी सारे अपने कमरे च हन ते अबू मैं को अन उठेंदे आदे के भाई इवें मैं तेरी भेण कह नहीं बल असा अपने उने नाल घास आई गन्ना शन्ना उथा डेधे रह गए साकू नहीं मिले। अच्छा। ते वल अम्मी मेरी होनी आखे के भाई एक छोकरा है पिया उड़ो इसरा हैन भाई नाल यूनिस इसरा उन्दा ना है पिया उन्हें आखे के भाई इवें इवें वो है ते वो इशारे बिशारे करें दाई मैं वो को भी मंदे कर जन ते पहले भी आंधा ही हो जी नाल उन्हें तो रख पाए भी ज़मीन वो आंधे में दे रह गया। अच्छा। ते अम्मी मेरी को जरे पता लगे ते वाल बाजी मेरी उन्हें घर दे आते दे बेच भी आंधा हाई पहले भी हो नहीं नहीं वो नाल मतलब के साढ़े बन्ना हम सही है नो। अच्छा। साढ़े रख पे जी जी साढ़े रख पे ना रख पाए उन्हें ना। अच्छा। उते तक आंधा ही जेल साकू पता लगे अम्मी मेरी उन्हें ने आखे भाई मैं वो को भी मंदे कजन ते बाजी मेरी उन्हें कोई मंदे कजन वाल उन्हें माफ़ी मंगी है कि अहदा वाला तो आपको शिकायत न मिल सी ऊँ तो बाद वाल अम्मी है कि तुसा नहीं मंजो। अच्छा। चाचू मैदा तो मैं गए हैं असा गए हैं नज़ीर इसरा आए उन्हें दा पता नहीं चाचू उन्हें दा क्या थींदे उन्दे को जरे असा गए हैं हाल हकीकत कीते से ऊँ सा को है कि तुसा बाहो तो आपको छुवेर लेने हैं वाल असा बैठे रह गए हैं ऊँ तो बाद वो भी आदे तुसा मंजो तो आपको छुवेर पहुँच वे सी। अच्छा। नज़ीर इसरा ने गाल की। अच्छा। ऊँ तो बाद असा वापसी घर आ गए हैं मैं को बुखार थी मैं समझ गया ऊँ तो बाद वाल सुबह थी गई कौन कौन आई ना चाचू मेरे तो मैं गया से। अच्छा। जी ऊँ तो बाद वाल सुबह थी गई सुबह टाइम सारे नाल हम साहे बिड़न तय वो इन खंड आमिर खंड का ना छोकरा है वो आके सारे घर आए के सी कि भाई तुआडी बाल उत्थम बे सारे घर आई बैठी है उन्होंने घर की में आ गई उन्हें घर वो पुचा गए जी मैं साको जोना सोनी जी जी यूनिस सुनी पुछा गए नुकू रास्ते वो जो गई है सीधा मान के उन्ने दे घर वाला हूँ यूनिस छोकरे दे नाम दो कॉल की थी कॉल करके कोई सी भी मैं कुछ ना इडो छोड़े ना उडो दे घर जी जी गए ते तुसा घेन आए उठो उठो मेरा गए चाचू ते मेरा कजन गए नी जहाज। अच्छा। वो गए उठो घेन है क्या टाइम है उमले उमले टाइम भाई तकरीबन सुबह दा 8-9 दा टाइम है। अच्छा। ऊ टाइम वो घेन है जले वो घेन है इथा उवा के बिलाए ने ऊँ तो बाद कुछ मतलब के सारे रिश्तेदार सारे जिमें नाल वाले कट्ठे थी उन्हें अबू को समझाए समझाए भाई ठीक है इंसान गन गलती थी वेंदी है वादा है घाटा है इंसान गन थी वेंदे ते वो क्या आती जाई ऊँ वेले तो वो आती कि भाई मैं इमें में बाहरों निकल थी तो मैं कोई इमें में चाह गए तो ये है तो वो ऊँ तो बाद सर 8-9 बजे वापस गहना है ऊँ तो बाद सारे मेरे रिश्तेदार हैं अबू उन्हें को समझाए कि भाई तू मेहरबानी कर गुस्सा ना कर तो वो बाल हार के अपने काम तो चलिया गया मैं भी उठी के अपने काम तो चला गया बैर जानवरें दी करण। अच्छा। मैं जरे बैर गया ऊं वेले मैं को रण दी आवाज़ आई है चीख आई है मैं जरे धुरक्या मैं डिठे था अबू उंदे उत्ते कुल्हाणे नाल वार कीती खड़ा को मारे खड़ा है। अच्छा। मैं ऊं वेले डठा मैं बेहोश थी मैं कोई इत्थे दहरिया दीन बनाई हस्पताल दे विच आया। अच्छा। मैं इत्थे रह गया ते देखण नाल बेहोश थी गए जी जी देखण नाल या मारण नाल बेहोश है देखण नाल मैं बेहोश थी गया सर जो ही मैं डिठे ना आगो कत्ल थी होया खून वांदा तो मैं उन्हें जन में तोड़ भी कह नहीं गया ईं दे विच कमरे दे विच दरवाजे च मैं ढह गया इसका क्या किरदार रहा इसका किरदार ये है कि इन लोगों ने काफ़ी सारे जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी काफ़ी सारे उसमें तजाद पाया गया है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो नॉमिनेट हुए हैं ये स्टेट इसमें मुदई बनी है ये उज़ैफ इसका वालिद और इनका चचा जमील जो वहाँ से लेने के लिए गए वहाँ से लेने के बाद ही फ़ौरन ही तकरीबन आधे घंटे के बाद ये वकूआ रूनुमा हुआ है जिस शख्स मौजूद था ये शख्स घर में मौजूद था क्या किरदार अदा किया इसने कत्ल किया
ये तीनों अपना वहाँ मौके के मौजूद थे, कमरे के अंदर मौजूद थे। अभी इन्वेस्टिगेशन मजीद चल रही है, जो भी सूरत हाल हो। कत्ल किसने किया? किसने किया कत्ल? अबू ने किया। अच्छा जी, और तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं उस वक्त बहर जानवरों के साथ था, काम कर रहा था जानवरों का। सही, टोका डाल रहा था, खुशियाँ मिल रहा था। और एक घंटा पहले तुम उसको लेकर आए हो और तुम इतने बेफिक्र हो गए थे उसके बाद कि तुम बाहर चले गए हो, काम शाम करने चले गए हो, तुम्हें किसी किस्म की कोई फिक्र ही नहीं थी, और आप तुम ये कह रहे हो कि तुम शामिल ही नहीं थे बीच में। असा था कि गुस्सा हूँ कम थी गया, बुधार के असा कम तो चले गए। अच्छा, हर बंदा आपने सिर्फ अबू को गुस्सा था, तुम्हें गुस्सा नहीं था उस पे? सा को गुस्सा क्या, असन लगे गए सब तो आपने समझा के गए, जो है ना असन समझ गए। नाज़रीन, उस रात ऐसा क्या हुआ था कि उस शख्स ने अपनी ही बेटी को अपने हाथों से कत्ल किया, ये सब कुछ जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तैमूर, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल थी, इस हवाले से बताया थोड़ा। आज भी अगर ये कोटदू की मैं बात करते चलूँ तो ये दूसरा कत्ल है जो गैरत के नाम पर किया जा रहा है, और 17 से 18 साल की दोनों लड़कियाँ थी जो कत्ल कर दी गई है। ये 4 फरवरी को ये वाक़ा पेश आता है सुबह 9 से 10 बजे देहरादून पनाह के हदूद में, कि ये 18 से 19 साल ये आफिया बीबी लड़की है जो रात को पसंद करती थी लड़के को, उसके घर चली जाती है घर से, और रात को इसके वालदैन जो हैं वो इसको ढूंढते रहते हैं और घर पे ये मौजूद नहीं होती, तो सारी रात जो इसके वालद है, भाई है और जो इसके चचा हैं वो इस लड़की को ढूंढते रहते हैं। रात को वो उस लड़के के ऊपर शक भी होता है पहले, इसकी वालदा को पहले भी इनके मुलाकात हुई है या घर में तंग करने के जो पहले भी कोई मामला चलते रहे हैं, तो उस लड़के के ऊपर शक था। उस लड़के के घर इसका चाचा और जो भाई है वो जाते हैं कि रात से हमारी लड़की। यहाँ पर दो बातें बड़ी मुख्तलिफ सी हैं जो कि सामने आई हैं, एक ये बात कि वो अपनी मर्जी से गई है और दूसरी ये कि उसे अगवा करके ले जाया गया है। दोनों बातें कदरे मुख्तलिफ हैं, सामने क्या आई, क्या लगता है असल क्या था? असल यही था कि लड़की गई तो खुद है, लड़का भी रजामंद था, लड़की गई है, लेकिन मामला वही आया है कि वहाँ पर शादी करना चाहती थी लेकिन वहाँ पर नहीं, शादी करना चाहती थी लेकिन वहाँ पर वही हुआ कि लड़का जो है उसने जवाब दे दिया वो शादी नहीं कर सका, या उसकी फैमिली नहीं मानी, या वो उस पोजीशन में नहीं था। वहाँ से फिर इसकी फैमिली भी रात को पहुँच गई है घर पे कि लड़की आपके घर है, हमें लड़की दी जाए, तो वो जिनके घर वो लड़की गई थी वो फैमिली खौफ ज़्यादा हो गई कि अब लड़की देनी पड़ जाएगी और अगर हम देते हैं तो मामला बढ़ जाएगा, वो लड़की को वहाँ से किसी वराने पे छोड़ आते हैं, लड़की वहाँ से जो साथ में घर जो उसको नज़र आता है रात को वो उस घर में चली जाती है। लड़कियों के लिए कितनी सोचने की बात है कि वो जिस शख्स के लिए वो बंदी अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप का घर छोड़कर गई है, उस शख्स ने उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे किसी और के हाथ में दे दिया, ये सोचने की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जहन होते हैं जिनको बनाया जाता है, जिनको जो है इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करने के बाद किसी और के सपोर्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पर भी हमने यही सूरत हाल देखी है। उस लड़की को उस शख्स ने यूज़ किया, उसके घर से लेकर गया और उसके बाद उसने किसी और के हवाले कर दिया। इस्माइल, यहाँ से वारदात करते हुए यहाँ से बाहर निकला है और उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी थी जिससे वार किए थे उसने, और उसके बाद यहाँ इन्हें मिला है, इतना क्या आधाई हो इस्माइल? इतना समय निकल गया था कि क्या किया, कि मैं कत्ल की दिया ना, बशीर मेरे भरा ने जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी गिन की दी है, कुल्हाड़ी की दिए से वो तोर पाया कि मैं पुलिस को फोन की दिया ना, तो मैं कल्ला बंदा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मैं उन्हें हो गया अपने आपने दिखने दो लगाई गए उन्हें कुल गया आई उन्हें कुल पता नहीं पहुँचे नहीं पहुँचाए सब नहीं पता। अच्छा, ते वो लोग कितना गए उनके बाद, वो लोग सारे जिन्हें दे घर रह गए या जो गिन के गए हैं वो कितना गए? इससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है ना सारा, उन्होंने कोई वो चले गए घर छोड़ गए में भी घर छोड़ गए। सही, लेकिन पुलिस ने मेरे को देखी थी और जेल थाने इलाका पे थे उठाई मांग के मैं मिला कि मेरे को देखे थी जो मैं इन्हें पूछे बच्ची को मैं को आखिर भी मेरे व्यक्ति थी जिलो व्यक्ति का नाम जो मेरे बर्दाश्त बहरा गए मैं कत्ल कर। वो खटड़े ते इवें सवड़ लंबी थी पी है उता छूए पै जाए। अच्छा, तुम्हारी धी कहना है? जी जी धी कहना है। मैं घर वाली को उठाए नंदराई मैं छूए की दे गई है
ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਗਈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰੀਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਆਈਏ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੱਲ ਆਈਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਜੀ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਮੈਂ ਕੋਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਲ ਉੱਠਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਡੇ ਉੱਡੇ ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਕਛਾ ਕਾਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਹਕੀਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਮਾਰੇ ਉਹ ਛੂਆਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸਰਾ ਆਏ ਰਸ਼ੀਦ ਰਸ਼ੀਦ ਯੂਨਸ ਯੂਨਸ ਤੇ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਕਿ ਜਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਖਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਕੂਆ ਥੀਂਦੇ ਤਾਂ ਉਡਾ ਹੀ ਇਹ ਛੂਹਰ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਭਿਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਭੇਜੇ ਜਮੀਲ ਤੇ ਉਜ਼ੈਫ ਕੋ ਇਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਤਾਂ ਆਖੇ ਨਜ਼ੀਰ ਇਸਰਾ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਗਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਲਭੇ ਨਾ ਛੂਹਰ ਅਗਰ ਲਭ ਵੇਂਦੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਿਜਵੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਘੰਟਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਈ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਤੁਸਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਛੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅੱਛਾ ਯੂਨਸ ਕੋਲ ਆਈ ਯੂਨਸ ਹੋਣੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਤਰ ਮੁਲੇਰ ਨਾ ਪਾਤੇ ਚ ਅੱਛਾ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਆ ਗਏ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰ ਦੋ ਉਹ ਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਆਈ ਕੇ ਉਹ ਜੂ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਿਜ ਦੇਣਾ ਇਵੇਂ ਕਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੀ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹਮਸਾਏ ਖੰਡ ਬੈਠਣ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਬਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਛੂਹਾ ਰਹਾ ਇੱਥੋਂ ਭਿਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਣ ਆਖੇ ਇਹ ਤੇ ਬੀਆ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਜਾ ਇਜਾਜ਼ ਗਏ ਭਿਰਾ ਜਮੀਲ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਗਏ ਗਹਿਲਾ ਬਸ ਇੱਥਾਂ ਯੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਗਨ ਬਈ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹ ਸਾਉਣ ਹੈ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਡੋਏ ਘੇਨ ਕੇ ਆਣ ਜੀ ਜੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨੇ ਆਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਲੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਅੱਛਾ ਵਾਲ ਕੀ ਆਖਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋ ਆਪੂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚਾਖਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਹੁ ਸਾਰਾ ਇਨ ਵਾਲਾ ਯੱਕ ਮੈਂ ਕੋ ਠਪਰਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਅਲਵੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਈ ਗਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੋ ਟੁਰੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਖੀਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਚੁੱਲ ਤੇ ਭਾ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਛੂਹਰੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਗਈ ਹਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਿਕਤੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰ ਜੋ ਲਾਇ ਅੱਗੋ ਖੜੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕੋ ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਚਾਈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੋ ਜਲੇ ਇੱਡੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਗੁਲੇ ਦੇ ਵਧਣ ਤੇ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋ ਰਸਤੇ ਛੋੜ ਗਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਵੇਂ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਾ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਬਸ ਉਤਨੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟੋਕੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਤਰਾਏ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਏ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾੜ ਧਾੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਲੇ ਦਰ ਲਾਇਆ ਆ ਵੀ ਤੈ ਕੁਝ ਥੱਬਾ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਰੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੋ ਤੈ ਧਾੜ ਧਾੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਵੀ ਯੱਕ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਗਏ ਵਾਲ ਇੱਡੋ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਹੁੰਦੀ 17 ਸਾਲ ਪਾਲਾ ਪੋਸਾ ਹੈ ਹੁਕੂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਸ ਬਗੈਰ ਗੈਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਗਏ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਰਤ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਰ ਲਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਨਿਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਾਹ ਥੱਬਾ ਭੇਜੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਿਸ ਮੇਰੇ ਅਗੋ ਅੱਛਾ ਹੂੜ ਮਾਰਿਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਉਹ ਲੜਕੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਸਕੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਥੇ ਜਾਂ ਵੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਥੀ ਜਾਂ ਕਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥਾ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾ ਕੋਈ ਡਰ ਥਾ ਕਿ ਕਹੀਂ ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੇਂਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਆ ਥਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯਹੀ ਥਾ ਕਿ ਯੂਨਸ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਯੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਥੀ ਵੋ ਕਿਸੀ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕਾ ਥਾ ਯੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਤੋ ਵੋ ਉਧਰ ਭਾਗ ਗਏ ਤੋ ਉਹ ਲੋਗ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬਿਠਾਨੇ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਹਮਸਾਇਓ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ ਹਮਸਾਇਓ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਕੋ ਇਤਲਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਉਸਕਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੀ ਉਸਕੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੇ ਤਹਿਤ ਥਾ ਯੂਨਸ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਵੋ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਵੋ ਕਹੀਂ ਭਾਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਐਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਗਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਤੀ ਤੋ ਉਸਕੋ ਲੈ ਜਾਤਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਗਈ ਔਰ ਵੋ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਥਾ ਔਰ ਗਈ ਵੀ ਉਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਥੀ ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਆਗੇ ਵੋ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਥਾ ਉਸਕੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇਂ ਜੋ ਬਾਤ ਵੀ ਆਈ ਤੋ ਆਗੇ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹ ਲੜਕੀ
वापस आई। थाई मैं मोई ते टोके दी ठेन मारियो। इस माँ की हालत क्या हुई होगी जिसने अपनी बच्ची को इस हालत में देखा होगा और उसे इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं उस बच्ची का अपना बाप था। ये दसो माँ जी तुसा जेड़े वेले वो रात को या सवेरे घिन के आए हो उ वेले कोई गाल नहीं थी उ वेले मामला ठंडा थी गया है उ वेले गाल नहीं थी वो दिल च रखी बदा है दिल च इवें मेरा पुत्र आधा घंटा इवें थोड़ा टाइम गुजरे को एक अच्छा घंटे डेढ़ के बाद जिवें वो घिन के आए घिन के कौन आया है ये मैं को नहीं पता मैं हमी देखी जो घा दे विच ये मैं को नहीं पता कौन घेना है कौन नहीं घेना ये पता ही में जरा बंदा आए भाई तुम्हारी बच्ची बैठी गई था अच्छा ये हुन मैं को पता नहीं हूं देखो इस्माइल आप गया आई जी लड़ो को वो वेले गुस्से दे विच आई हो ना ये मैं सारी रात वो गुस्से में रह गया है ये सारी रात गुस्से च रह गए वो अहदा हा जरा है मैं डर हुआ धके मैं मर वन्या मेरा इज्जत दा मसला बन गए मैं टुरण फिरण दा काई नहीं में मैं तो इवें हथ बंदी रह गया इवें हथ बंदी रह गया ते वो शादी करना चाहंदी है नहीं उदी मंगणी थई पई है ऊ अपनी ऊ जहद उते ओ शादी च कबूल है खुद उदे मुंह नाल आख्या होया है के भई मेरा रिश्ता करेंदा पाए करेंदे पाएवे ई फिलाने छुहर नाल कराए अच्छा जोनस है यूं दे विच ये आदमी यूनस दे बारे चाहती है कि ना 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 ये एक आयन साकु एक आयन सारा अपना बियादरी च रिश्ता थी आती है ते ओ दे कोल ओ राजी है ओ बिल्कुल ए माए माँ हाँ हो जाए ने भी कुछ जान दे तो आखे हाँ मैं कु के भी मैं इन रिश्ते च राजी कायन में ता ओ ता पीछे माँ पियो आह दे जरी उलाद राजी कायन धी हो वे जा पुत्र हो वे उनके ने ता हट पनी दे ना ओ खुद अच्छा ये दसो इस्माइल दा विराज जमील हूँ वेले कितना हाई ते तो आड़ा पुत्र कितना हाई मैं दा पुत्र मैं दे नाल हा खीर दा हिसाब पे करें दे आसे अच्छा ये निकी खड़िए थे ये रड़िए धाड़ हलाट आए अम्मी आप ही जरा खत्म थी गई है आप ही को अबू कुटी वेंदे जेले असा आए हैं वो बहर टोपी उवे हाथे च बस पीछे जेले असा आए हैं ते मेरा पुत्र जा इवे जाती पेंदे ते इवे छठे बेहोश था मलेंदे माई बेहोश मेरा देरी बेहोश तू मैं सारे वस्ती आले उको कैरी ते जाके गए अस्पताल मैं उठो यो थाए ता पीछे उड़े की थी गान भैया तू बयान देते उको बंद कर की थे ने कि लड़की जब घर छोड़कर लड़के की तरफ जाती है तो वापसी उसको वहां से बेवफाई मिलती है अब वो किसी घर के नहीं रहती उसको वापसी आना पड़ता है या उसे रास्ते में छोड़ दिया जाता है। यहां ये दूसरा केस इसी तरह है यहां पर भी लड़की को छोड़ दिया गया ये किसी के घर चली जाती है वहां से रابطہ होता है भाई और जो इसका चाचा है लड़की का वो इस लड़की को उस घर से वापस अपने घर सुबह 8:30 बजे ले आते हैं तो खानदान सारा घर में जमा हुआ होता है करीबी जो रिश्तेदार हैं वो भी होते हैं इनको गुस्सा भी होता है कि रात को लड़की घर से चली गई है भागकर और सुबह हम इसे वापस ले आए हमारी बदनामी हो गई है मामला वही फिर गैरत का आ जाता है और उसके बाद ये होता है कि ये तीन हैं जिसमें भाई और इसके बाद इसके चचा हैं और जो इसका वालद है लड़की का इस्माइल इन तीनों ने उसका भाई जमील और उसका बेटा तीनों शामिल थे तीनों हमें हमने जो बात की मुलजमान से भी और बाकी लोगों से भी उसके घर वालों से भी तो हमारे सामने इस साइड का जो मौकिफ आया है वो ये आया है कि इस्माइल इस कत्ल की वारदात में अकेला था ना उसका भाई शामिल था ना उसका बेटा शामिल था जो जिस वक्त हमने ये मामला रिपोर्ट किया है तब ये अकेला ही सामने आया था और उस वक्त डीएसपी या जो मौके पे पुलिस पहुंची थी उनकी जो मौके की इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक भी ये इस्माइल ही वालद जो यही कातिल था अकेला उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को फिर बाद में मालूम हुआ और पुलिस के मुताबिक ही पुलिस का ही कहना है कि जो भाई है और जो चचा है जो लड़की को रात को वापस लेकर आए थे घर में छोड़ के गए थे इन तीनों ने मिलकर इस लड़की को कत्ल किया है लेकिन जो मौका बताता है या जो अब तक के शवाद मिले हैं या जो इलाके वाले बताते हैं वो सिर्फ वालद का बताते हैं कि इस्माइल ने कत्ल किया है और ये मुलजम ही 15 पर कत्ल करने के बाद पुलिस को खुद ही इतला देता है और उसके बाद जो करीबी रिश्तेदार हैं शोर
बात सुनने के बाद आते हैं तो वो भी यही देखते हैं कि कुल्हाड़ी जो है जिसे कत्ल किया गया है वो इस्माइल के पास ही है, हाथ में उठाई हुई है और वो मानता भी है कि मैंने कत्ल कर दिया है गैरत के नाम पे। अब ये तीन जो बताया जा रहा है कि घर में मौजूद थे, वालद उस लड़की से पूछता है और वहाँ पर लड़की उसको बताती है अपने वालद को कि मुझे ज़बरदस्ती घर से लेके गया और वहाँ जाकर उसने मेरे साथ ज्यादती की है और ज्यादती करने के बाद मुझे वापस छोड़ दिया है वहराने में। सही। और तो उसने गैरत के तकाजे में वहाँ पर जो वालद है वो तैश में आ जाता है और वहाँ पे उसे गैरत उसकी जागती है कि मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की है और उसके बाद छोड़ दिया गया। अब खानदान में तो हम किसी को मुंह दिखाने के नहीं रहे। उसके बाद वो कुल्हाड़ियों से वार करता है और पुलिस के मुताबिक के 13 दरबाद जो है उस लड़की को मुख्तलिफ उसके जिस्म पर लगती हैं जिसमें उंगलियाँ भी कटी हुई हैं, बाजू भी है, सर पर ये कुल्हाड़ियों से वार करता है और लड़की जो है वो मौके पर जान बहक हो जाती है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल में हमने ये देखा कि यहाँ पर एक गलती, एक उस बच्ची ने गलती की, एक वो गलती थी कि यूनस नामी उस शख्स के वरगलाने में आ गई और उसने ये गलती करके ये स्टेप उठाया कि वो अपना घर, अपने बाप का घर छोड़कर उस शख्स के साथ चली गई। और दूसरी गलती ये थी कि उसके बाप ने उस लड़की की गलती को माफ़ नहीं किया बल्कि अपनी अना का मसला बनाया, अपने अनाथ का मसला बनाया और उसको कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। क्या लग दे कि तुसन ठीक कीते गैरत दा तकाजा ही आ गया हुण ता अल्लाह दे अगो मादरत करे ने गैरत दा तकाजा तो को लग दे के हुण अल्लाह दे अगो मादरत करे ना के उमले गुस्सा गैरत होंदी है इंसान को धी भेण दी गैरत होंदी है। अच्छा हुण अल्लाह दे अगो मादरत करे गुस्सा कढण दा कोई बिया तरीका भी ता थी सकदा बस उमले कोई बंदा यो जी अनाज रा मैं को रोक के ने आ तरबियत कीती है पढ़ाया आई को पांच जी पढ़ाए अच्छा कुरान मजीद दा खत्म ही कराए नाल कौन कौन आई उमले ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਛੋਰ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਜਮੀਲ ਉਹ ਯੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਮੀਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਟੋਕੇ ਚ ਕੋਈ ਖੀਰ ਡੁਹਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖੋਸ਼ਾ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਥਿਆ ਕਿ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਇਹ ਐਸਾ ਜੀ ਕੋ ਪਾਲਾ ਪੋਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਮੰਨ ਲੈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੈਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੇਨ ਕੇ ਗੈਨ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੈਨ गलत कीते नहीं करना चाहिदा तैयार खड़े हो सजा वास्ते बाकी पोतर ते भरा भी ना लेन तुहाडे मैं अल्लाह को हाजर नाजर करके आदा को नाजायज है। नाज़रीन, ये शख्स है जिसने कत्ल किया है, अपनी ही बेटी का कत्ल किया है और इसका यही कहना है कि उस वक्त इसे गुस्सा था और गैरत का तकाजा यही था कि उसे कत्ल कर दे, कुल्हाड़ियों के वार किए और जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी उसे कत्ल कर दिया इस शख्स ने। और अब ये भी कह रहा है कि इसने गलत किया है, लेकिन यही सूरत हाल हमने कितने प्रोग्राम्स में देखी है कि जब गिरफ़्तार हो जाता है मुल्ज़िम उसके बाद उसे ये एहसास क्यों होता है, उसके बाद ये एहसास होता है कि किसी और तरफ भी वो जा सकता था। अगर इस तरह का वाक़या था भी सही, अगर औलाद ने गलती की भी थी तो उसके साथ क्या कोई और ऑप्शन नहीं था इनके पास? सबसे पहले तो इस काम की हमारी शरह में भी इजाज़त है, कानूनी तौर पे भी इसमें कोई रुकावट नहीं है कि एक लड़की अगर बालिग है, अकेले समझदार है तो वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शादी कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली कि हमारा जो माशरा है वो इतना बाशऊर और एजुकेटेड नहीं है, लोगों के ताने देखा देखी देखें जी ये हो गया वो हो गया, तो फिर अपनी वो उसको कहें कि खुद साख्ता इज़्ज़त की बहाली के लिए और माशरे में और इलाके में ये मैसेज देने के लिए जी फलां बहुत गैरतमंद है, जहालत ही कह लें तो उसके पेश नज़र ये इस तरह की वारदात वकुआ कर देते हैं, वरना इसका ये हल नहीं है।
چاہیے تو یہ ہے کہ جہاں بچی کا دل کر رہا ہے تو اس کو بڑی عزت سے احترام سے اس کی رخصتی روانگی کریں تاکہ وہ خوش و خرم رہیں اور اپنی بقیہ زندگی سکون سے گزاریں اور یہ لوگ بھی اس طرح کی سنگین واردات کرنے سے بچ جائیں۔